好。Hey guys, welcome back to my channel. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज का मेरा ये न्यू व्लॉग है चाइना ड्रैगन मॉल में। यहाँ पर सारी चाइना की चीज़ें मिलती हैं, तो चलें यहाँ चलते हैं और अंदर विजिट करते हैं। तो लेट्स गो। वैसे ये बिल्ली चेक कर रहे हैं, बिल्कुल रियल लग रही है, ये रो रही है शायद। अभी क्या हो गया, चल की नहीं रहा ये, चलेगा? हाँ सेंसर है, ऐसे चेक कर रहे हैं। उसको यहाँ रख देते आ गया हमारा लंच, चना चावल और ये साथ में रायता है, प्याज है। सो ये हमारा लंच, इसको भी स्टार्ट करते हैं और खाते हैं। सो गाइस, आज का ये सेकंड डे, कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया था अपना, तो आज का मैंने कंटिन्यू किया, ये आज का दूसरा दिन है। तो अभी मैं हूँ एक पार्क में जो कि बहुत अच्छा पार्क है, कुरुम जगह है वहाँ पर। सो ये पूरा यहाँ का पार्क है, आप देखें एक पूरा बना हुआ, ये एक एरिया है कुरुम का रेसिडेंशियल, वहाँ पर ये पूरा पार्क बना हुआ है, बहुत अच्छा पार्क है। तो यहाँ से गुजर रहा था मैं, तो सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा वीडियो शूट करता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कैसा बना हुआ है, क्या है। ये बच्चों के झूले भी हैं इधर, तो शायद शाम के टाइम पर यहाँ बच्चे आते होंगे झूला झूलने के लिए। हम में देखें, ये देखें, ये पूरा जो है ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने ग्रासिंग की हुई है। सो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से शाम के टाइम, और अभी भी बहुत अच्छा व्यू है शाम के टाइम, और अच्छा व्यू आएगा जब सनराइज़ वगैरह होगा। तो ये ग्रासिंग वगैरह यहाँ की, और काफ़ी वेल मेंटेन रखा हुआ है इसको, और खूबसूरती में रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा पार्क है ये, और पुरसकून है, काफ़ी क्लीन है। यहाँ पर सफाई का आप खुद देखें कितना ख्याल रखा गया है, आपको कचरा नहीं यहाँ मिल रहा होगा, ना कोई रैपर, ना यहाँ कुछ ऐसा कोई गंदगी है, हर चीज़ का इंतज़ाम है। और ये सामने एंट्री देखें आप, बड़ी ज़बरदस्त एंट्री बनाई है उन्होंने सामने। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर, देखते हैं इसको फील लेते हैं यहाँ पर कैसा फील है अंदर जाके। आ रही है बिल्ली, आओ। ऐसा फील आ रहा है, मतलब एक ठंडा ठंडा लग रहा है, कूल कूल, क्योंकि बाहर तो धूप है तेज, तो यहाँ पर बैठ कर अच्छा फील आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, आप देखें पूरा ये इस तरफ के पूरा, इन्होंने एक दरख्तों से ना ये जगह बनाई हुई थी, काफ़ी मेहनत की होगी इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ। अगर इसमें लाइट लाइटें होगा जबरदस्त लगेगा, बहुत अच्छा है व्यू यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ बैठ के। फील कर रहा थोड़ा देर यहाँ बैठे रहो और रिलैक्स होते रहो और मज़ा लेते रहो। आई होप आप लोग को भी अच्छी लग रही होगी जगह। गाइस अभी हमने ये विजिट कर लिया है पार्क, सो अब निकलते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, और होप कि आपको ये पार्क अच्छा लगा होगा। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं हूँ समंदर पे, बीच पे, इधर मैं पहले भी आ चुका था, तो अभी दोबारा आया हूँ। तो इधर मैं पहले भी आ चुका था, तो दोबारा आया हूँ, एक अच्छा बीच है, ज़बरदस्त बीच है, तो ये कि यहाँ मज़ा आ रहा है काफ़ी।
टेम्परेचर भी यहाँ अच्छा हुआ, धूप तेज है बट यहाँ के टेम्परेचर अच्छा है, इतना बुरा नहीं है और पानी भी करीब आया हुआ और यहाँ कुछ गोरे गोरे भी नहा रहे हैं, तो देखते हैं आगे चल के क्या सीन है। तो गाइस देखें यहाँ पर जिमिंग का सामान भी है, यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर जिम के लिए, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। थोड़ी साइकिलिंग कर ली, थोड़ी जॉगिंग कर ली, कार्डियो कर लिया, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप मुझे पीछे देखें और भी हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा आप स्विमिंग करें और यहाँ पर आगे फिर आप साइकिलिंग करें ऐसे करके। लग रहा है मैं ना भागता भागता पानी में पहुँच जाऊँगा, ऐसा फील आ रहा है इसके ऊपर। तकरीबन मैंने अभी 20 लैप कर लिए होंगे यार ऐसे कर करके, और मुझे फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ऊपर खड़ा हूँ। गाइस इसको कहते हैं शोरमा प्लेट, नीचे इसके होता है हमूस और ऊपर है चिकन चिप्स और ये सलाद पराठा। ये हमारा आज का डिनर।